स्वर संधि हो गया। अब आपको गुण संधि बताना है। स्वर संधि के जो पांच भेद हैं उसमें पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का परिभाषा हम लिखेंगे आद गुणा। आद गुणा का मतलब होता है अ आ को आद कहते हैं। आद गुणा का अर्थ होता है अ आ को आर कहते हैं। इसका परिभाषा होगा अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर रहे तो। ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मतलब कि ई ऊ री रहे तो अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ऊ बराबर ओ, अ प्लस री बराबर अर। एक दूसरा भी परिभाषा आप याद कर सकते हैं कि अ आ के बाद, अ आ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण रहे तो क्रम से ए ओ और अर हो जाता है। वे आपको अलग से मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी जो लिखवा रहे हैं ये परिभाषा, आप इस परिभाषा को लिख लेंगे आदगुणा। आदगुणा के बाद लिखेंगे अ आ के बाद, अ आ को आर कहते हैं, अ या आ के बाद ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर रहे, ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण रहे तो, माने ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण मतलब ई ऊ री, ई ऊ री, ई में हर्षई भी होता है, ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है, ऊ में भी ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है, री में भी ह्रस्व होता है और दीर्घ होता है। तो इन दोनों में से एक कोई भी रहेगा तो अ के बाद अगर ई आता है तो ए होगा, अ के बाद ऊ आता है तो ओ होगा, अ के बाद री आता है तो और होगा। इसको हम गुण संधि कहते हैं। अब एक एक करके उदाहरण आपको मैं बता देता हूं। अ प्लस ई बराबर ए, जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, भू प्लस इंद्र भूपेंद्र और ज्ञान प्लस इंद्र ज्ञानेंद्र। ये हो गया अ प्लस ई का, अ प्लस दीर्घ ई का ए हो गया।